On the night of 16th December 2012, a brutal gang rape took place in a moving bus on the streets of Delhi. There cannot be a more horrific incident than that. 72 hours after that brutal rape of a student in Delhi, an angry nation has come together for justice. I mean, I'm sorry to say there is no justice in this country. It was something that shook all of us, sickened us, and led to unprecedented street protests in India. There's an increasing sense of helplessness. 3 साल पे बरसी है बच्ची की और एक उसका दोषी छूट रहा है. देश विदेश से सब लोग रोड पे आ गए. सारी सरकार हिल गई, कानून हिल गया कि नहीं, अब लगा कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उतना घिनौना अपराध के बावजूद भी हमारा सिस्टम सबक नहीं लिया. ऐसा तो केस हमने देखा ही नहीं कि इतने इंटरनेशनल लेवल का केस हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर 19 महीने से बंद पड़ा है. कोई एक हमारी बेटी की बात नहीं है, ये तो इसको पूरा विश्व जानता है कि ये केस कैसी है. तब भी इसका कुछ नहीं हो रहा है तो आम केस है, उनका क्या होना है. तो अब हमें यहाँ पे डर लगने लगा है कि कहीं हमारी उम्र न ख़त्म हो जाए इस फैसले के इंतज़ार में. एक बेटी पैदा करना हमारा कसूर था कि हम भुगत रहे हैं दर दर जा करके. जितने भी हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है, चाहे हमारे केस से पहले चाहे बाद में, उन सबको इंसाफ मिले. और जब तक नहीं इंसाफ मिलेगा मुझे, मैं हर संभव कोशिश करूँगी, और जब तक शरीर में जान रहेगी मैं लड़ती हूँ.